वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कमाल धमाल और मस्ती से माल अमाल शो में। इसका नाम है आर्ट अटैक। जी हाँ, आर्ट अटैक। ये शो अनोखी और मजेदार चीज बनाने की एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और मैं हूँ इस तूफान मेल का ड्राइवर और कंडक्टर, यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका साथी गौरव। अब देर किस बात की है, दिखाएं इस तूफान मेल को इसका हरा सिग्नल। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन चीजों पर जिसे आज हम बनाने वाले हैं और जिसे बनाना आप सीखने वाले हैं। बदल डालो अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल आसानी से। एक शानदार कलाकृति जो आपको ले जाएगी हजारों साल पीछे। अपनी तस्वीर को अनोखी शेड्स देने का एक आसान तरीका। एक तरीका आपके कपड़ों को सही सलामत रखने का। और मिलिए मेरे प्यारे दोस्त नारियल अन्ना से, जो देंगे आपको एक खास सलाह। आज मैं कलाकृति से आप सभी को साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वतों पे ले जाने वाला हूं। वहां के कुछ हिस्से समुद्र तल से मीलों ऊपर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ऊंचे पर्वतों पे कौन से जानवर रहते होंगे। चलिए, वहां पर कुछ बहुत ही चालाक जानवर रहते हैं, जैसे कि लोमड़ी। इस लोमड़ी को कहते हैं इंडियन फॉक्स। बहुत खूब। क्यों, क्या आप भी ऐसी लोमड़ी की तरह दिखना चाहते हैं? यह बहुत ही आसान है। आपका रूप बदलने के लिए हमें बस चाहिए कुछ चीजें, जैसे कि प्लास्टिक कप, न्यूज़पेपर और गम। अब ध्यान से देखिए कि हम इनके साथ क्या करने वाले हैं। इस प्लास्टिक कप पर परमानेंट मार्कर से ठीक वैसा ही शेप बनाइए जैसे कि मैंने बनाया है। फिर इसकी दोनों तरफ एक डॉट बनाइए। अब घर के किसी बड़े की मदद से इन डॉट की जगह पर छेद बना लीजिए। अब इस लोमड़ी की नाक बनाने के लिए न्यूज़पेपर का रोल बना लें। एक छोटे कागज से इसे ठीक से आकार दे दीजिए। इस कागज को टेप से ढक दीजिए ताकि इसका शेप ट्रायंगल जैसा बन जाए। अब इस पेपर के रोल को हमारे प्लास्टिक कप से बहुत सारी सेलो टेप की मदद से अच्छी तरह चिपका दीजिए। तो लीजिए, बन गई है हमारी लोमड़ी, यानी एंडियन लोमड़ी की नाक। क्या आपको पता है कि लोमड़ियों की नाक हम इंसानों से कई गुना तेज होती है? वो अपने शिकार को कई मील दूर से सूंघ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी लोमड़ी की नाक को भी जरा मजबूती देते हैं। हम इस पर पेपर के टुकड़े चिपकाने वाले हैं हमारी खास आर्ट अटैक पेस्ट से। ये आर्ट अटैक पेस्ट बनी है गम और पानी के बराबर हिस्सों को मिलाकर। इस नाक को हर तरफ से कागज से चिपका दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। अब हम उसे सूखने देते हैं। आपको पता है लोमड़ियों को चला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब शिकार करती है तो अपने आप को आसपास के पत्थरों के बीच छिपा लेती है ताकि इसे कोई देख ना सके। अब हमारी नाक को भी हम कुछ इसी तरह से रंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल असली लोमड़ी की नाक जैसे ही लगे। काले रंग के मार्कर से ऐसा डिजाइन बना लीजिए। इसके आगे के हिस्से पर हम नाक जैसा डिजाइन बनाएंगे और बाकी हिस्से पर बनेगा इसका मुंह। इसकी मूछें कुछ इस तरह से बनाइए। हम नाक को देंगे काला रंग, बाकी हिस्से की ऊपरी तरफ भूरा रंग लगाएंगे और निचली तरफ लगेगा सफेद रंग। अब परमानेंट मार्कर से फिर से इसके मुंह और मूछें बना लीजिए और इन्हें अच्छी फिनिशिंग दीजिएगा। अब क्रेयॉन की मदद से मैं इस पर शेडिंग करूंगा ताकि ऐसा लगे कि लोमड़ी की नाक पर बहुत सारी रुएं हैं। बहुत खूब। और ये ग्रे रंग लगाइए ताकि नाक बिल्कुल असली जैसी लगने लगे। हमारी एंडियन फॉक्स की नाक तैयार हो गई है, पर इसे हम लगाएंगे कैसे? इसे लगाने के लिए हमें इसमें एक इलास्टिक स्ट्रैप लगाना होगा। एक लंबा इलास्टिक बैंड ले लीजिए। ये इलास्टिक इतना लंबा होना चाहिए कि आप इसे आसानी से अपने सर पे लगा पाएं। अब एक पेंसिल की मदद से इलास्टिक के एक छोर को एक छेद से निकालकर इसमें गांठ मार लें। बहुत अच्छे। इसी तरह
इलास्टिक के दूसरे छोर को भी एक गांठ मार लें। इसके साथ ही हमारी ये कलाकृति पूरी बन गई है। अब सोचिए कि आप एक लोमड़े के रूप में पर्वतों के बीच घूम रहे हैं और उन वादियों का मजा ले रहे हैं। और अचानक आपकी मुलाकात होती है एक लामा से। लामा साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला एक और जानवर है। इसके गाल तो देखिए कितने अजीब हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा भी है ना। इसके रुए बनाने के लिए मैंने वही तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब हमारा लामा मिलता है एक आर्माडिलो से। यह है एक आर्माडिलो, इसकी नाक तो देखिए। आर्माडिलो के ऊपर जब भी कोई दूसरा जानवर हमला करता है तो यह अपने शरीर को एक गेंद की तरह बना लेता है और अपनी सुरक्षा करता है। अब हमारा आर्माडिलो मिलेगा अगला एक पंछी से, जो कि है एक इंडियन कॉन्डोर। इसकी नाक बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है। अब आप भी अपने मनपसंद जानवरों के नाक बनाइए और जंगलों की सैर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना और मैं मास्क बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। लोमड़ी की नाक बनाने के लिए एक लंबी प्लास्टिक कप पर नाक का ड्राइंग बनाइए और कप के दोनों ओर एक होल बना लीजिए। एक न्यूज़पेपर का रोल बनाकर उसके आगे वाले हिस्से को ट्रायंगल जैसा शेप दीजिए और फिर पेपर को प्लास्टिक कप से अच्छी तरह चिपका दीजिए। अब इस पर अर्थ टेक पेस्ट की मदद से कागज की छोटी छोटी टुकड़े चिपकाइए। पेस्ट को पूरी तरह से सूखने दीजिए। अब लोमड़ी की नाक, मुंह और मूंछों की ड्राइंग बना लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से रंग लीजिए और काले रंग के मार्कर पेन से बारीकियों को दर्शाइए। क्रेयोन की मदद से लोमड़ी की खाल रोएदार बनाइए और एक इलास्टिक बैंड को उसके दो होल में डालकर बांध दीजिए। दोस्तों, मुझे ये प्लास्टिक का कप मिला है, पर समझ नहीं आता क्या करूं इसका। समझ गया, मैं इससे एक पंछी की चोंच बनाऊंगा। दोस्तों, आप प्लास्टिक कप की मदद से सभी जानवरों की मास्क बना सकते हैं। प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को नुकसान भी होता है, तो प्लास्टिक कप को फेंकिए मत, उससे नए नए तरह के मास्क बनाइए। इससे पर्यावरण और जानवरों की रक्षा भी होगी और आपको मजा भी आएगा। जब मेरा दोस्त एलेक्स एक नेचुरल साइंस म्यूजियम में गया था, तब वहां रखे डायनासोर्स के स्केलेटन्स तो देखता ही रह गया। वो वहां थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। वहीं कुछ दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तब आपको पता है क्या हुआ? एलेक्स को एक विशाल कलाकृति बनाने के लिए आइडिया मिल गया। तो जो होने जा रहा है उसे ध्यान से देखिए और बताइए कि उसने ये स्लीपिंग बैग कहाँ रखा। Thank you.
वाओ, वो बच्चे कैसे दौड़े होंगे उस टाइम मशीन को देखने के लिए। और क्या आपको पता चला एलेक्स ने वो स्लीपिंग बैग कहाँ रखा? तो चलिए देखें। एलेक्स बैकपैक के पास गया और स्लीपिंग बैग लेकर आया। अब देखते हैं वो इसे कैसे रखता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया करके मुझे सरप्राइज देता रहता है। वाह, ये तो कमाल हो गया, ये तो टाइम मशीन का दरवाजा है। और एलेक्स, अब जब कभी भी तुम म्यूजियम में जाओगे तो बच्चों के खेल में नाक घुसाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो चलो टाटा एलेक्स, बाद में फिर मिलेंगे, क्योंकि आर्ट अटैक में हम बनाने जा रहे हैं कुछ और भी मजेदार और अनोखी चीजें। आज की इस टेक्निक के लिए आपको चाहिए बस आपका एक फोटो, एक ट्रेसिंग पेपर और एक ब्लैक मार्कर। आपको क्या लगता है, अब आपको ढेर सारी लाइनें खींच के आपका चेहरा बनाना है? तो बिल्कुल गलत। आज आप अपना चेहरा बनाएंगे ढेर सारे डॉट्स बनाकर। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा। अपना एक फोटो लीजिए और उसे टेबल पर चिपका दीजिए ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। अब एक ट्रेसिंग पेपर लीजिए और उसे भी इसी तरीके से अपने फोटो पर चिपका दीजिए। अब एक पतले पॉइंट वाले मार्कर से अपने चेहरे पर वहां डॉट्स बनाना शुरू कीजिए जहां से हमारे बाल शुरू होते हैं, ऐसे। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिए कि उन डॉट्स को आप बहुत पास पास ना बनाएं, वरना वो किसी दाग की तरह दिखेंगे। इसी तरीके से अपने आईब्राउज भी बनाइए। अब उस जगह डॉट्स बनाइए जो जगह थोड़ी गाढ़ी है। डार्क इफेक्ट देने के लिए डॉट्स थोड़े पास पास और ज्यादा बनाइए, और हल्का इफेक्ट देने के लिए डॉट्स एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर बनाइए। वेरी गुड, देखिए कैसे आपका चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसी तरह अपने पूरे चेहरे की आउटलाइन बना लीजिए। परफेक्ट। अब मैं गर्दन के हिस्से को शेड दूंगा। देखा, शेडिंग करने से कितना जबरदस्त लग रहा है। अब मैं इसके मुंह को शेड करूंगा, अंदर का हिस्सा करूंगा एकदम गाढ़ा और होंठ बनाऊंगा थोड़े से हल्के। बहुत अच्छे, क्या बात है, खुद का तस्वीर बनाने का ये शानदार तरीका है ना। अब अपनी इस कला का प्रदर्शन करने के लिए इस तस्वीर को एक सफेद ड्राइंग पेपर पर रख दीजिए कुछ ऐसे, ताकि इस डॉट से बनाई हुई शेडिंग आसानी से दिख सके। और अब इस दूसरे तरीके को भी देखिए। यहां पर मैंने लाइट जगह को सफेद रंग से शेड किया है और डार्क जगह को छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने इसे काले पेपर पर रख दिया है। ये तरीका पहले से बिल्कुल उल्टा है। तो देखा आपने कैसे एक ही आइडिया से आप कितनी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, आप भी इसे बनाना शुरू कर दीजिए। वाह, क्या बढ़िया और मजेदार तरीका है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही डॉट डॉट से ये ड्राइंग बनती है। ये देखिए, मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाया है। डॉट्स को एक दूसरे के पास और दूर बनाकर शेड करने की इस कला में मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लगता है तूफान आने वाले ही, ये डॉट्स तो इस तूफान में उड़ जाएंगे। वाह, डॉट्स का बवंडर तो एकदम शानदार दिखेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप अलमारी में अपने कपड़ों को किसी अनोखी स्टाइल में लटका सकें? तो मेरे पास इसके लिए एक कमाल का आइडिया है जो आपके बहुत काम आएगा। यह है एक मजेदार हैंगर जो आपके कपड़ों को अच्छी तरह संभाल कर रखता है, वो भी एक अनोखे अंदाज में। जब भी मुझे अपनी रॉकस्टार जैसी शानदार जैकेट पहननी है तो मैं उसे इस हैंगर से निकालता हूँ, और निकालते ही मुझे ये शानदार चेहरा नजर आता है ना रॉकस्टार। शुरू करने के लिए एक कार्डबोर्ड पर एक हैंगर रख दीजिए। अब सबसे पहले इसके हुक का शेप कॉपी कर लें, और अब इसके दोनों सिरों पर दो उंगलियां छोड़कर मार्किंग कर लें। ठीक इसी तरह नीचे के साइड पर भी मार्किंग कर लें। इसके बाद सारे मार्क्स जोड़कर हैंगर का निचला हिस्सा ड्रॉ कर लें। साथ में हुक भी ड्रॉ कर लें।
अब एक टेप का रोल रखकर आधा गोल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। इस तरह अपने हैंगर को पूरा कीजिए। आखिर में असली हैंगर को रूलर की तरह इस्तेमाल करके दो समांतर लाइन बनाकर ऐसा आकार बना लीजिए। अब इसे काट लें। अब इसके ढांचे को एक कार्डबोर्ड पर कॉपी कर लें और ध्यान रहे कि इसकी सिलवटें भी हैंगर की दिशा में ही मुड़ें, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के फोल्ड कर सकें। अब दोनों साइड पर इसके नीचे की तरफ चार उंगलियां छोड़कर मार्क कर लें। अब यही तकनीक अपनाकर इसे मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब की तरह सामने रखकर पूरा ढांचा कॉपी कर लें। बहुत बढ़िया। अब इसे काट लें। ये रहा हमारा हैंगर, लेकिन इसे मोड़ने और चिपकाने से पहले हमें इसे अच्छी तरह डेकोरेट करना होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसके हुक के मोड़े हुए आकार का फायदा उठाकर इसकी हेयर स्टाइल किसी रॉक स्टार की जैसी कूल बनाएं। अब उसको एक फिल्मी गॉगल्स पहना दीजिए और उसकी नाक भी बना दीजिए। उसके बाद इसके खुले हुए हिस्से की ओर इसके मोटे मोटे होंठ बना दें। बिल्कुल इसी तरह हैंगर की दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लें। और अब चलिए इसे पेंट करते हैं। इसकी स्किन के लिए डार्क ब्राउन एक्रिलिक कलर लीजिए और इसके बालों के लिए काला रंग। मैं इसके होंठ बनाऊंगा पर्पल और इसकी नाक बनाऊंगा लाइट ब्राउन कलर से। एक बार जब पेंट सूख जाए तब ब्लैक मार्कर से इसकी सारी बारीकियों को निखार दें। आखिर में क्रेयॉन्स लें और इसको हल्का सा शेड कर दें। अब आपको इसके दोनों सिरों को जोड़ना होगा। इसके नीचे के हिस्से को सही आकार देने के लिए आप रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक इस तरह, और इसे फिर गम से इन दोनों हिस्सों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा, है ना मजेदार। मेरे पास कुछ और भी आकार हैं, जैसे कि ये जोकर। इस जोकर पर आप अपने मजेदार कपड़े टांग कर अपने मेहमानों का मनोरंजन कर सकते हैं। और मेरे पास और भी आकार हैं, देखिए, जैसे कि सुमो रेसलर। इस सुमो रेसलर पे तो अपने कराटे की ड्रेस क्या सही लगेगी। और देखते हैं अब इस बतख को। ये बतख में आप अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम टांग सकते हैं। तो अब आप इन्हें बनाना शुरू कीजिए। अभी मैं चलता हूं क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चाओ।